हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था अबाउट कंसेशन एंड कंट्रास्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसका और भी पार्ट बाकी है और भी एक दो वीडियो बनेंगे उसके। आज भी मैं उसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, कंट्रास्ट एंड कंसेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे दो सेंटेंस जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ लिए होते हैं उसको हम कंट्रास्ट या कंसेशन वाले सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ हाउएवर एंड एज यू एज ही मीन्स वैसे सेंटेंस जिसमें है तो कंट्रास्ट और कंसेशन का ही लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछली बार हमने इवन इफ और नो मैटर का इस्तेमाल किया था और मे बी का इस्तेमाल किया था, तो इसमें भी वैसा ही है बट थोड़ा सा चेंज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? तो क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो। यस प्लीज, इज मुंबई मेल रनिंग ऑन राइट टाइम? आई हर्ड सो। व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द टैक्सी आउटसाइड द स्टेशन, the porter told me that it was running on time. Oh, quite fortunate for us, considering the irregularity of trains nowadays. Let's hope the train comes on right time. I have to reach Mumbai till dawn morning. So you are going to Mumbai? I am traveling only up to Nasik. Oh, I see. Do you live at Nasik? Yes, sir. I am practicing in district court there, and I am Surekha. May I know your good name, please? Thank you very much, Surekha. I am Deva Singh, doing my independent business in Mumbai. I am very glad to make your acquaintance. So let's go to the platform number 7. Train will come there. Of course. Let's go. Let's go. Come. Okay, friends. Come. वह कितना भी परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता। हम बोलते हैं अपनी अपनी स्टाइल में बोलते हैं कि तुम चाहे कितना भी यार कोशिश कर लो तुम सफल नहीं होगे, तुम चाहे कितना भी दौड़ लो वो नहीं मिलने वाला। मीन्स कुछ भी इस तरह का हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? तो वह कितना भी परिश्रम कर ले वह सफल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम हाउएवर का इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर हार्ड, यहाँ पर कठिन है, यहाँ पे कठिन लिखना होगा, कितना भी कठिन, यहाँ पे कठिन लिखना भूल गया मैं, कठिन है। तो वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता। हाउ एवर हार्ड जो एडजेक्टिव है हम हाउ एवर के साथ ही लिखेंगे, तो हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क, हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क, He can't be successful. He can't be successful. तो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है हाउ एवर लिखना है और एडजेक्टिव को साथ में लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर मे का इस्तेमाल करना है। तो हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क ही कांट बी सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, वह चाहे कितना भी गरीब हो वह सुखी है, तो हाउ एवर पुअर ही मे बी। देखो हाउ एवर के साथ हमने एडजेक्टिव लिखा, आपको एडजेक्टिव का पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने एडजेक्टिव पर भी एक वीडियो बनाया है, बहुत ही पहले डाला था, शायद आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो हाउ एवर पुअर ही मे बी वह सुखी है, ही इज हैप्पी, ठीक है फ्रेंड्स? तो वह चाहे कितना भी गरीब हो वह सुखी है। तो हाउ एवर पुअर ही मे बी ही इज हैप्पी। आप यहाँ तक ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखना कैसे है, यहीं पर ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, हाउ एवर के साथ एडजेक्टिव लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और मे, अगर इसमें कोई क्रिया है तो क्रिया की जगह पर यहाँ पे बी की जगह पर क्रिया लगा देंगे, यानी वर्ब लगा देंगे। अगर कोई वर्ब नहीं है, पर्टिकुलर कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे होना या बनना है
तो बी लगा देंगे। इसमें यहाँ पे वो कितना भी गरीब हो, यहाँ पर क्या है वो कितना भी कठिन परिश्रम करे माने मेहनत करे तो वो वर्ब हो गया, इसलिए ही में वर्क लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर वो कितना भी गरीब हो है तो यहाँ पे बी लगा दिया, सिंपल। अब इस सेंटेंस को लीजिए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये दोनों सेंटेंस सेम जैसे दिखते हैं ना, सेम जैसे दिखते होंगे आपको, लेकिन ये सेम है नहीं। इसमें फ़र्क क्या है, माइनर फर्क है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में अलग तरीके से बनाते हैं। फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क यही है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे हरा नहीं सकते। यहाँ पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, और यहाँ पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, इसलिए हाउएवर के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में जिसमें ऐसा ही हो लेकिन उसमें एडजेक्टिव ना हो तो उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसको बोलेंगे ट्राई, सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे ट्राई, एज यू विल, इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे कि अगर वह होता है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले कि ट्राई एज ही विल, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो ट्राई एज आई विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राई एज यू विल, तुम मुझे हरा नहीं सकते, यू कांट डिफीट मी। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इसमें एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको हाउएवर लगाकर नहीं बनाते हैं। अगर इसमें एडजेक्टिव होता फिर इससे ये अलग नहीं होता, ये दोनों सेंटेंस सेम होते, बट ये और ये सेंटेंस दोनों अलग अलग है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें एडजेक्टिव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे हरा नहीं सकते, ट्राई एज यू विल यू कांट डिफीट मी। वो कितना भी बोले मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो स्पीक है, तो स्पीक लिखेंगे हम, स्पीक एज ही विल, वो कितना भी बोले, तो स्पीक एज ही विल, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, आई विल नॉट रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पर सीधा हम आई वॉन्ट रिप्लाई भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। बस थोड़ा सा चीज़ समझना है इसमें, थोड़ी सी चीज़ समझनी है, एकदम माइनर चीज़, कि वो कितना भी बोले मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हम वर्ब से शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से जिसमें एडजेक्टिव ना हो, अगर इसमें एडजेक्टिव दे दे तो फिर हाउएवर से इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, हाउएवर से शुरुआत करेंगे, जब इसमें एडजेक्टिव हो तो ऐसे बनाएंगे, जब एडजेक्टिव ना हो इस तरह के सेंटेंस में तो फिर हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बिल्कुल इजी वे से सीखना चाहते हैं, आसान रास्ते से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, एकदम बच्चों की तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर थोड़ा भी हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता हो आपको, आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा होता हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक नहीं करते हो, देख के बाहर निकल जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।